शांति। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। आज सारा देश झूम रहा है, चारों ओर वीरता के गीत बज रहे हैं, सभी के दिलों में भारत की मान्यताओं की चर्चाएं हैं। लोग उन शहीदों को भी याद कर रहे हैं, उन बहादुरों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। कुछ उसमें छुपे हुए हीरो भी हैं जिनको लोग बहुत कम जानते हैं, बंगाल के ऐसे लोग जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां की, और भी कई प्रांतों के ऐसे लोग थे जो प्रकाश में नहीं आ पाए, पर सभी ने मिलकर एक ऐसी भावनात्मक लहर देश में पैदा कर दी थी कि अब अंग्रेजों को भगाना है, देश को स्वतंत्र कराना है। और आखिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में और अनेक नेताओं के सहयोग से आज के ही दिन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हम खुली हवा में सांस लेने लगे, अब ये देश पुनः हमारा देश हो गया। कितनी सुंदर शुरुआत थी, एक भावनात्मक लहर भी पूरे देश में थी। हमने सबको के बलिदान को भी याद किया। हमारा भारत से बहुत प्यार है, हर व्यक्ति भारत के लिए कुर्बानी करने को तैयार रहता है। आज हमें कुछ बातों पे पुनः विचार करना है। हम प्रधानमंत्री का भी भाषण कोई सुनेंगे, कोई सुन रहे हैं, लेकिन हम बाहरी रूप से तो स्वतंत्र हो गए, पर हम आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र हो जाएं, दुखों से स्वतंत्र, निगेटिविटी से स्वतंत्र, मनोविकारों से स्वतंत्र, भेदभाव से स्वतंत्र, दैहिक दृष्टि से स्वतंत्र। हम सब आत्माएं हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। अब हमें अपने पूरे देश में ये रूहानी लहर फैला देनी चाहिए। मैं सभी भारतवासियों से निवेदन कर रहा हूं, हम ब्रह्मा कुमारी की ओर से आप सभी को संदेश दे रहे हैं, हम सभी आत्माएं हैं। ये देह के धर्म जिनमें हदें हैं, लिमिटेशंस हैं, इनसे ऊपर उठकर हम अपने आत्मिक स्वरूप में, रूहानी स्थिति में स्थित हो जाएं, तो ये सब झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे। और ये जो मनोविकारों की परतंत्रता है, जो दुखों की छाया है मनुष्य के जीवन पर, वो सब समाप्त हो जाएगी। आने वाला समय हमारा बहुत सुंदर हो, हमारा भारत विश्व गुरु बने, लाइट हाउस बने, विश्व के लिए महान तीर्थ बने, यहीं से शांति के वाइब्रेशंस सारे संसार को पहुंचे, यहीं से सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार सारे संसार में हो जाए, ये हमारा श्रेष्ठ संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री का भी ये संकल्प है, केवल स्वप्न नहीं, उन्हें करना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। परंतु अकेली पॉलिटिकल पावर से ये काम नहीं हो पाएगा, इसके साथ स्पिरिचुअल पावर का होना भी आवश्यक है। देखिए, सत्ता पर बैठे हुए लोग शौचालय बनवा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पानी का प्रबंध कर सकते हैं, लाइट जहां तहां बिजली पहुंचा सकते हैं जो पहुंच रही है, प्रशंसनीय कार्य हैं, और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं सरकारें दे रही हैं, आयुष्मान भारत और ऐसी अनेक, मैं उनकी चर्चा यहां नहीं करूंगा। लेकिन हम सब विचार करें, शौचालय बन गए, बहुत सारी गंदगी समाप्त हो गई, लेकिन यदि मन स्वच्छ ना हो कैसा लगेगा? भरपेट भोजन तो मिल रहा हो लेकिन यदि बीमारियां बढ़ रही हो, पानी तो भरपूर हो लेकिन चित्त शीतल न हो, लड़ाई झगड़े हो, मन अशांत हो, रात को नींद ना आती हो, डिप्रेशन बढ़ रहा हो, आपस में लड़ाई झगड़े होकर डिवोर्स की नौबत आ गई हो, ये सब न हो इसके लिए अध्यात्म की जरूरत है। तो हर मनुष्य आज के इस श्रेष्ठ दिन पर संकल्प करें,
हमें अपने को अंदर से भी स्वतंत्र करना है। जो मन अधीन हो गया है मनोविकारों के, जो बुद्धि को सभी ने डस्टबिन बना दिया है बहुतों ने, जो विचारों को मलिन कर दिया है, जो भेदभाव पैदा कर दिए हैं, जो तेरे मेरे के जंजाल में लोग उलझ गए हैं, आज संकल्प करें हम इनसे भी स्वतंत्र होंगे, तब हमें सच्चा सुख मिलेगा। घर में रहने का सुख भी तभी मिलता है जब मन सुखी हो, जब गहरी नींद आती हो, जब भोजन भी सुखदायी हो। तो आज का ये सुंदर दिन है, हम अपने सूरवीरों को भी याद कर रहे हैं, हम भविष्य के सुंदर स्वप्न भी देख रहे हैं, लेकिन हमें ये महान कार्य करने के बारे में भी विचार करना है। ये भारत महान देश है, ये भारत भगवान की जन्मभूमि है, ये देवताओं की जन्मभूमि है, यहाँ देवताओं के चरण पड़े हैं, यहाँ भगवान के कदम पड़े हैं, ये धरती भी धन्य धन्य हो गई है। आज जहां तहां तिरंगा लहरा रहा है, बहुत घरों पर भी लहरा रहा है, कुर्ते पर भी लोगों ने लगा लिया है, शर्ट पर भी। तिरंगे के तीन रंग हैं, भिन्न भिन्न अर्थ लोग इसका करते हैं। मैं अध्यात्म दृष्टि से इसके दो तरह के अर्थ कर रहा हूं। केसरिया लाल रंग हमारे त्याग और बलिदान का, वैराग का, हरा रंग हमारी शांति का, और सफेद रंग हमारी प्योरिटी का, इनर प्योरिटी ऑफ माइंड। इन तीनों को हम जीवन में अपना लें, ये सच्चा अध्यात्म होगा। अध्यात्म का अर्थ कोई पूजा पाठ से नहीं, कोई तांत्रिक साधनाओं से नहीं है। इन तीन चीजों को जीवन में धारण करें हम, ये सच्चा अध्यात्म है। ये तिरंगे के तीन रंग तीन लोकों के भी परिचायक हैं। केसरिया हल्का लाल ब्रह्मलोक का, परमधाम का, सफेद सूक्ष्म लोक का, फरिश्तों की दुनिया का, और हरा ये हरी धरती का। तो हम तीनों लोकों के मालिक बन जाएं। तीनों लोकों में यदि हम सैर करने लगेंगे राजयोग के माध्यम से, तो हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाएंगे। और देखिए, जब ये तीन चीजें हमारे जीवन में धारण हो जाएंगी, पवित्रता भी, शांति भी, त्याग बलिदान की भावना भी, तो हमारा देश संपन्न हो जाएगा। ये प्रकृति जिसको हमने पोल्यूट कर दिया है, ये पुनः प्योरीफाई हो जाएगी, सतो प्रधान हो जाएगी, और यहाँ पुनः दूध घी की नदियां बहेंगी, ये भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। गीत तो आज जहां तहां बज रहे हैं, भारत सोने की चिड़िया था उसका वर्णन गीत में हो रहा है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमें भारत को पुनः सोना हीरे मोतियों से धन धान से भरपूर करना है। इसका आधार है प्योरिटी। तो हम अपने भारत देश को बहुत प्यार करते हैं, अभी सच्चे प्यार का हम सबूत देंगे कि इस दिन पर हम संकल्प करें हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम संकल्प कर लें हम प्योरिटी को धारण करेंगे, तो ये जो व्यभिचार दुष्टाचार रेप के केस हो रहे इनको लगाम लग जाए, ये हमारे देश के मस्तक पर कलंक का टीका लग जाता है। हम महान देश के वासी, हम भी महान हैं, पवित्रता हमारा श्रृंगार है। तो आइए आज अपने मन में वैसे ही उमंगे भर लें जैसे सारा देश आज उमंगों में झूम रहा है। भारत देश में एक उमंग उत्साह का सुंदर उत्सव आज के दिन चल रहा है। हम अपने जीवन में भी इस उत्सव को समा दें और भारत के सच्चे प्राणी, सच्चे देशभक्त इस पर अपनी अपवित्रता को, अपने मनोविकारों को कुर्बान करके भारत को महान बनाने वाले इसके सच्चे सपूत बन जाएं। ये दिन सभी के लिए शुभ हो। इस दिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। ओम शांति।